हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग नया टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो हम लोगों ने अभी तक 3 लेक्चर किया हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और आप लोग सबसे पहले अगर नहीं पढ़े हो तो उसको पढ़ के तब आप इधर आओ, ठीक है ना। तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट? रिलेटिवली एक बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 2 लेक्चर में कवर करेंगे इसको। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो 1 + x^n का ये बोल रहे हैं कि जो एक्सपेंशन होगा वो c0 + c1x + c2x² + c3x³, और ये कहाँ तक जा रहा है, cn(x)n तक जा रहा है, और यहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ये nc0 होना चाहिए था, nc1 होना चाहिए था। तो हर जगह पर बिकॉज nc0, nc1, nc2 है, तो हम लोग उसको ना लिख के NC0 को C0 लिख रहे हैं, NC1 को C1 लिख रहे हैं, NC2 को C2 लिख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, तो हमें इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। अब ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट में हमसे पूछा क्या जाएगा, है ना। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्या पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है कि ऐसा है। तो मान लो कि पहला क्वेश्चन ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि देन फाइंड सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। तो ये बोल रहा है कि जितने भी कोफिशियंट होंगे उनका सम कितना आएगा। तो कौन है कोफिशियंट? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे बोला जा रहा है कि c0 + c1 + c2 + c3 से लेके जो cn आएगा उसका पूरे का सम कितना आएगा, ये क्वेश्चन है आपसे। तो हर प्रॉब्लम जो भी पूछा जाएगा तो आपको हमेशा राइट हैंड साइड को देखना है और ये सोचना है कि हम क्या करें इसमें, इस वाले एक्सपेंशन में एक्स की क्या ऐसी वैल्यू रख दें कि जिससे हमें ये मिल जाए, ठीक है ना। तो अगर बहुत मतलब बहुत सिंपल है, आप आराम से देख सकते हो कि अगर यहाँ पर एक्स के जगह पर हर जगह पर 1 रख दिया जाए तो ये जो राइट हैंड साइड है वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है कि जो गिवन एक्सपेंशन है उसमें क्या बोलना है कि लेट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर आप x का वैल्यू 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा c0 + c1 + c2 + c3 से लेके कहां तक पहुंच गए आप, cn तक। अच्छा, जब आप x की वैल्यू 1 इधर रखोगे तो वही x का वैल्यू 1 यहां भी तो रखोगे। तो अगर यहां पर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1, तो ये हो गया 1 + 1 का पावर n हो, कितना हो गया 2^n, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 2^n सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम c0 to cn, कितना हो जाएगा 2^n के बराबर। तो हम लोग ये सेकंड प्रॉब्लम ले रहे हैं इस पर, एक्सपेंशन पर, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पर। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि c0 - c1 + c2 - c3 और ये -1^n cn का वैल्यू क्या होगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, आप जैसा पिछले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि आप पहले किसको ऑब्जर्व करोगे, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो तो c0 तो एज इट इज़ है, ठीक है ना। फिर क्या करना है, यहाँ पर c1 के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, c2 के साथ क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, c3 के साथ फिर से माइनस आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि जहाँ पर x का ऑड पावर है 1 है 3 है उसके साथ में माइनस साइन आ रहा है, ठीक है ना। और अगर लास्ट वाले टर्म को ऑब्जर्व कर रहे हो तो -1 की पावर n cn तो एज इट इज आया है, और यहाँ पर x की पावर n है तो यहाँ पर -1 की पावर n है। तो ये खुद में ही हिंट कर रहा है आपको कि हमें x के जगह पर क्या रखना है, -1 रखना है। तो ठीक है, देख लेते हैं, x के जगह पर -1 रख के देखते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू -1, तो आप x के जगह पर -1 रखो। तो जब रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा c0, ये कितना हो जाएगा -c1, ये हो जाएगा +c2 - c3 प्लस, आप आगे बढ़ते रहो एंड लास्ट वाला हो जाएगा -1 to the power n cn। अब यहाँ पर एक डाउट ये हो सकता है कि जैसे हर कोफिशिएंट के साथ हम लोगों ने प्लस और माइनस साइन लिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने प्लस या माइनस क्यों नहीं लिखा, हमने -1 की पावर n क्यों लिख दिया। तो इसलिए आपने लिखा है क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ये जो वैल्यू n है, जो इंटीजर है, वो इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है,
हमें इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग माइनस वन की पावर एन लिख रहे हैं। तो अगर एन पर इवन नंबर हुआ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ऑड नंबर हुआ तो निगेटिव हो जाएगा। तो हमें इसके बारे में सोचना नहीं है। तो क्या करना क्या है, तो जब आपने यहाँ पर एक्स के जगह पर माइनस वन रखा है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी तो रखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स को माइनस वन से रिप्लेस करो तो कितना हो गया, दिस इज वन एंड माइनस वन का पावर एन, तो कितना हो गया जीरो। तो इस वाले केस में सेकेंड क्वेश्चन में इसका वैल्यू कितना आ गया, ये इसका वैल्यू आ गया जीरो के बराबर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके ठीक है, तो हम लोग इसी पर बेस्ड थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो थर्ड में क्या ले रहे हैं कि आपसे ये बोला गया कि आप सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव प्लस सी सेवन प्लस, ये बोल रहे हैं कि सी वन से स्टार्ट होगा, सी वन सी थ्री सी फाइव सी सेवन इस तरीके से हमें जाना है। और अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो इसका लास्ट वाला टर्म नहीं लिखा गया, तो लास्ट वाला टर्म या तो लास्ट होगा या तो सेकेंड लास्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि एन का वैल्यू इवन है या ऑड है, हमें प्लस करना है या माइनस करना है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए लास्ट वाला टर्म हम लोग बता भी नहीं सकते क्या होगा। तो कैसे करना है, यहाँ पर एक एक कोफिशियंट बीच में नहीं है, जैसे सी जीरो नहीं है, फिर सी टू नहीं है, फिर सी फोर नहीं है, सी सिक्स नहीं है। तो हमें करना क्या है, इसमें एक बार एक्स के जगह पर वन रखना है और एक बार एक्स के जगह पर माइनस वन रखना है। मतलब क्या हुआ, आपको एक्स को रिप्लेस करना है वन से एंड माइनस वन से, और उसके बाद हम उसको देखेंगे कि हमें उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले वन रखते हैं, तो अगर वन रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो वन रखने पर ये हो जाएगा सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी फोर से आप लास्ट वाला सी एन ले लोगे, और इसका वैल्यू जैसा अभी हम लोगों ने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में निकाला था, तो इसका वैल्यू हो गया था टू की पावर एन के बराबर। और अगर इसी में आप एक्स को माइनस वन से रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, सी जीरो माइनस सी वन प्लस सी टू माइनस सी थ्री प्लस सी फोर, एंड यहाँ पर तो माइनस साइन आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर होगा माइनस वन टू द पावर एन सी एन, और इसका वैल्यू हम लोगों ने सेकेंड वाले क्वेश्चन में किया था कि इसका वैल्यू तो जीरो आता है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पर ये सोचना है कि इसका सम लेना है, मतलब इसको जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, हमें चाहिए सी थ्री, तो सी थ्री कैसे मिलेगा, सी थ्री अगर आप ऐड करोगे तब तो ये कैंसिल हो जाएगा, बट हमें कैंसिल किसको करना है, सी जीरो को कैंसिल करना है क्योंकि यहाँ पर नहीं है, सी टू को कैंसिल करना है, सी फोर को कैंसिल करना है। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें जिसका सेम साइन है, ठीक है ना, जिसका सेम साइन है सी जीरो सी टू सी फोर, उसको हमें कैंसिल करना है। तो सेम साइन को कैंसिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको माइनस कर लो, तो आप अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये सी जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और बहुत सारे टर्म्स आगे भी कैंसिल होंगे। हाँ, हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर सकते कि ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि एन इवन है या ऑड है। ठीक है, बट ठीक है, जो बच रहा है उसको देखते हैं। तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू सी वन, जब इसको माइनस करोगे तो ये भी ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा टू सी थ्री। हाँ, अगर आप आगे कुछ टर्म लिखे होते तो अगला क्या आता, सी फाइव आता, तो प्लस टू सी फाइव। ठीक है ना, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो आपने किया क्या, आपने माइनस किया, माइनस किया है ना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना हो गया, टू की पावर एन हो गया। लेकिन जो आपको निकालना है वो तो टू टाइम्स तो है नहीं, वो तो एक ही एक बार पूछा गया कि सी वन सी थ्री सी फाइव सी सेवन, तो सी वन सी थ्री, तो क्या करना पड़ेगा, आपको टू से दोनों साइड को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव इज इक्वल टू 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो गया 2 की पावर n माइनस 1, क्या हो गया इसका वैल्यू, 2 की पावर n माइनस 1 इसका आंसर आएगा। ओके,
ठीक है, तो इस पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन यही है, सेम है सभी के लिए। तो इसमें बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप इसको ध्यान से देखो और एक बार कोशिश करो। आपसे बार बार ये बोला गया है कि आप राइट हैंड साइड को देखोगे और आपको ये सोचना है कि इसमें क्या ऐसा किया जाए कि हमें ये मिल जाए, ठीक है ना। तो क्या किया जाए सोच के बताओ। हम यहाँ पर है सी वन, और अगर ध्यान दे रहे हो तो सी जीरो है भी नहीं, इधर है इधर नहीं है, और इधर है 2C2। अब कुछ ऐसा करना है कि ये C2 के साथ इधर 2 आ जाए, है ना, C3 के साथ यहाँ पर 3 इसके साथ प्रोडक्ट में, और अगर यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पर x के साथ पावर में 3 है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो और थोड़ा ध्यान से देख रहे हो तो आपको ये समझ में आया कि जो भी x का पावर है वही यहाँ पर प्रोडक्ट में आ गया। C3 के साथ कितना पावर है, x³ है, यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट में। अगर आपने लिखा होता तो C4x⁴ होता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है वो प्रोडक्ट में आ गया। और लास्ट वाले को भी अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो x⁴n है, और यहां पर क्या पूछा जा रहा है, n आपके साथ प्रोडक्ट में, ठीक है ना। क्या किया जाए यहां पर, हम क्या ऐसा x का क्या कोई ऐसा वैल्यू रख सकते हैं यहां पर, ऐसा पॉसिबल है कि जिससे ऐसा कुछ बन जाए, तो कितना भी सोचो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो करना क्या है, इसको यहां कैसे लाया जा सकता है, डिफरेंशिएशन से। अब बेसिक डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो, तो x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx⁴n-1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का इधर में दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो करो डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा देखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ दी साइड्स, तो क्या मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n इंटू 1 प्लस x⁻¹, और फिर 1 प्लस x का जब आप चेन रूल से करोगे डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा। अच्छा, C0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा C1, इसका कितना हो जाएगा प्लस 2C2x प्लस 3C3x² और ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो जो ये लास्ट वाला टर्म है क्या हो जाएगा, n c n x की पावर n माइनस वन, पावर कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको लग रहा है कि यार अभी भी तो नहीं आया भाई, डिफरेंशिएशन से कहा, यहाँ तो x सब बचा हुआ है, लेकिन हाँ ये देख पा रहे हो कि जो आपको निकालना है वो बस थोड़ा ही दूर है, कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको x को 1 से रिप्लेस कर देना है। तो लेट x इज इक्वल टू 1, x को 1 मान, तो अगर x को 1 मानोगे तो इधर कितना हो जाएगा, n इंटू ये 1 प्लस 1 तो 2 की पावर n माइनस 1 हो गया। अच्छा, यहाँ पर 1 रखोगे तो क्या हो गया, ये हो गया C1 प्लस 2C2, x तो 1 हो गया, प्लस 3C3 एंड लास्ट वाला क्या हो गया nCn। तो ये पूरे का वैल्यू n इंटू 2^n-1 के बराबर हो जाएगा, ओके। तो आप लोग इसको अच्छे से समझो, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, 5 में क्या पूछ रहा है, 5 में प्रॉब्लम तो हम लोग खुद ही बना सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 में ये क्या बोल रहा है कि आप इसका वैल्यू बता दो कि C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 प्लस 4C3 प्लस n प्लस 1 Cn, बोल रहे हैं इसका वैल्यू आप बता दो, ठीक है ना। तो कैसे निकाला जाए इसका वैल्यू, है तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के ही जैसा, लास्ट वाला जो प्रॉब्लम आपने किया बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि C0 नहीं था, अभी C0 है, अलग से C0 को नहीं ऐड कर सकते। ऐसा मत सोचो कि C0 का वैल्यू तो हमेशा 1 होता है तो हम 1 नहीं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये भी सोचो कि यहाँ पर C1 है तो यहाँ पर x का पावर 1 है बट यहाँ पर 2 आ रहा है। यहाँ अगर डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग सोचें तो यहाँ पर x का पावर 2 है
तो अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, बट यहाँ पर तो 3 है साथ में, यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर 4 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आ रहा है कि जो भी पावर है यहाँ पर उससे एक बड़ा नंबर चाहिए, ठीक है, एक बड़ा नंबर चाहिए। तो एक बड़ा नंबर कैसे आएगा, आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, हमें ज़रूरत तो इस साइड है, लेकिन अगर इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको छोड़ तो नहीं सकते, है ना। तो आप पूरे जो एक्सपेंशन गिवन है आप इसमें दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, देखते हैं क्या आता है, क्या हो गया सोल्यूशन इसका। तो ये हो जाएगा सी जीरो एक्स, एक्स से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस सी वन एक्स स्क्वायर प्लस सी टू एक्स क्यूब प्लस सी थ्री एक्स टू द पावर 4 एंड ये जो लास्ट में आएगा प्लस सी एन एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन हो गया। हम लोगों ने ऐसे अपोजिट लिख लिया, इसको लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो आपने एक्स से पूरे एक्सपेंशन में क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करोगे, अब डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से ये मिल जाएगा सी जीरो प्लस टू सी वन एक्स, देखो आना शुरू हो गया, टू सी वन एक्स प्लस थ्री सी टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर सी थ्री एक्स क्यूब फोर सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका तो यू बी मेथड से होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो एन इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सेकेंड फंक्शन वन प्लस एक्स की पावर एन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन आएगा। अब क्या बचा रह गया इसमें, तो जो आपको निकालना है और जो आपने निकाला अभी तक उसमें डिफरेंस क्या, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है उसमें यहाँ यहाँ कुछ नहीं है, तो एक्स को क्या करोगे वन से रिप्लेस कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप वन से इसको रिप्लेस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, सी जीरो प्लस टू सी वन प्लस थ्री सी टू प्लस फोर सी थ्री प्लस एन सी एन इज इक्वल टू, एक्स को वन से रिप्लेस करना है तो क्या होगा, एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन, ठीक है। तो टू की पावर एन माइनस वन को कॉमन ले लो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा एन प्लस टू, तो टू की पावर एन माइनस वन को यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर एन हो गया और यहाँ पर टू हो गया, तो यही इसका आंसर, ठीक है, नोट कर लो। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखो क्या करना होगा हमें, है ना। तो ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है तो इसमें सी जीरो प्लस सी वन बाई टू प्लस सी टू बाई थ्री, तो जो नंबर बढ़ रहा है, अभी तक पिछले प्रॉब्लम में क्या हो रहा था कि नंबर यहाँ मल्टीप्लाई था, मतलब मल्टीप्लाई था और एक ऑर्डर में वो बढ़ते क्रम में था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही दिख रहा है कि बाई वन हो गया टू थ्री फोर, बट वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है ना। तो अब डिनोमिनेटर में आएगा कैसे, तो डिफरेंशिएशन से अगर अब मान लो किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो थ्री यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन हमें तो डिनोमिनेटर में चाहिए, तो सोचना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में आएगा कैसे। तो डिनोमिनेटर में लाने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, और बेसिक इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि हम इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्या होगा, उसमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हटाने के लिए हमें इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ना करके डेफिनिट इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है ना, और लिमिट रखना होगा। तो लिमिट क्या रखना है, तो आपको खुद से सोच के रखना है। तो क्या करना चाहिए, इधर दोनों साइड का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करो। तो ये हो गया सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर एंड लास्ट में हो गया सी एन एक्स टू द पावर, पूरे का
इंटीग्रेशन आपने कर दिया, तो अगर इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका भी हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, और ये हो गया dx। अब क्योंकि जैसा मैंने बोला कि डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होगा, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट तो 0 होगा और अपर लिमिट हम लोग 1 रखेंगे। क्यों क्यों रखेंगे? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जब ये सारे नंबर्स नीचे आ जाएंगे तो लास्ट में तो एक्स को 1 ही रखना है, तो एक्स को 1 रखना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर 1 रख रहे हैं। और तो फिर लोअर लिमिट 0 क्यों रखा गया है? तो जब यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद हर टर्म में एक्स आ जाएगा, तो जब एक्स की जगह पर 0 करोगे तो वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो इसकी वजह से हम लोग 0 to 1 रख रहे हैं, ठीक है ना? तो ठीक है, 0 to 1 यहाँ आपने किया तो 0 to 1 यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है? तो क्या इंटीग्रेशन करते हैं इसका, क्या हो जाएगा? तो इसका इंटीग्रेशन हो गया सी नॉट एक्स या C0x प्लस C1 x² बाई 2 हो गया, प्लस C2 x³ बाई 3 प्लस CN x⁻ n+1 होल डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है? और यहाँ पर ये आप लिमिट लगा दो, तो लिमिट क्या होगा? 0 to 1। अच्छा, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपल इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो 1 प्लस x⁻ n+1 डिवाइडेड बाई n+1 हो गया, और आप लिमिट रख दोगे, दिस इज 0 to 1, है ना? अब तो बस लास्ट स्टेप है, अब आप यहाँ पर 1 रख दो इस पूरे में, x को 1 से रिप्लेस कर दो, फिर माइनस करके जब 0 करोगे ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है? तो रख के देखते हैं क्या आता है। तो 1 रखोगे तो ये हो जाएगा C0 प्लस C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 3 प्लस CN बाई n+1। अच्छा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, तो 2 की पावर n+1, तो ये हो गया 2 की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, और फिर माइनस, जब आप एक्स को 0 से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई n+1, ठीक है ना? तो ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा, तो इसका ये वैल्यू आएगा, ठीक है? तो आप लोग इसको देखो ध्यान से। ये आपका है नेक्स्ट प्रॉब्लम है, और ये भी इंटीग्रेशन पर ही बेस्ड है, बट जो आपने लास्ट प्रॉब्लम किया उससे थोड़ा सा अलग है, तो आप इसको देख लो ध्यान से। आप एक बार कोशिश करो खुद से, इसको वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार कोशिश करो, और फिर आप आगे इसको कंटिन्यू करो। तो इसमें आप ध्यान से देखो तो C0, C1 बाई 2, C2 बाई 3 एंड CN बाई n+1 ये तो आ ही रहा है ना? ये आ रहा है, मतलब ये क्या हिंट कर रहा है कि हमें इंटीग्रेशन तो करना है। और यहाँ पर 2 माइनस 1, 2² माइनस 1, 2³ माइनस 1, तो जो -1 -1 है इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 2 माइनस 1 है, ये 2² माइनस 1² है, ये 2³ माइनस 1³ है, और ये 2 की पावर n+1 -1 की पावर n+1 है, ऐसे सोचोगे तो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना? तो करना क्या है, यहाँ पर भी जैसे आपने लास्ट वाले प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन किया तो इसमें भी इंटीग्रेशन ही करना है, साथ में और क्या कर देना है, यहाँ पर लिमिट चेंज कर देना है। तो लिमिट अभी 0 to 1 ना होके इसमें लिमिट हो जाएगा 1 to 2, ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। तो चलो इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो इंटीग्रेशन आप ऐसे लिखो, ये हो जाएगा 1 to 2 होगा लिमिट, अभी समझ में भी आ जाएगा कि 1 to 2 क्यों लिया जा रहा है। तो C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ एंड लास्ट में CN x⁻ n, और आपने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन ले लिया, ऑपरेटर dx हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस x⁻ n dx हो गया, ठीक है? अब आप इसका इंटीग्रेशन करो, ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा C0 x प्लस C1
एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी टू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी थ्री एक्स टू द पावर फोर बाई फोर प्लस सी एन एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, लिमिट होगा वन टू टू। अच्छा, यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ये लिमिट यहाँ छूट गया, तो ये वन टू टू होगा, तो यहाँ से वन हो गया। तो हमें राइट हैंड साइड को देखना भी नहीं, हमें लेफ्ट, ये जो आपसे पूछा जा रहा है इसको ध्यान से देख के हमें इसके बारे में सोचना है। ठीक है ना, तो अभी जब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से अगर देख पा रहे हो, तो पहले अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पर अपर लिमिट रखोगे तो टू स्क्वायर, और फिर वन रखोगे तो वन स्क्वायर, तो टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर टू रखोगे तो टू क्यूब, और फिर लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस वन क्यूब, और ये सी टू बाई थ्री अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या लिख सकते हो, हम लोग सिंगल स्टेप में करते हैं, बाकी आप लोग इसको ट्राई करना अपनी कॉपी में। तो ये हो जाएगा टू माइनस वन इंटू सी नॉट प्लस, अभी आप यहाँ से टू स्क्वायर, ये हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, सी वन बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टू क्यूब माइनस वन क्यूब, और माइनस वन क्यूब, और ये होगा सी टू बाई थ्री, सी टू बाई थ्री। और वैसे ही जब इसके लिए आप जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू की पावर एन प्लस वन माइनस वन की पावर एन प्लस वन इंटू इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा सी एन बाई, सी एन बाई एन प्लस वन। तो अभी ये देखना है कि जो हम लोग निकालना चाह रहे थे क्या वैसा वैल्यू आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। देखो लास्ट वाला भी सी एन बाई एन प्लस वन आ गया, और यहाँ पर टू की पावर एन प्लस वन आ गया, और वन की पावर एन प्लस वन का वैल्यू क्या आएगा, वो तो वन ही आएगा। ठीक है ना, तो अब बस राइट हैंड साइड को देख लेना है क्या क्या करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप एक्स की जगह पर टू रखोगे तो ये टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री हो गया, तो ये हो जाएगा थ्री की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, और फिर वन रखोगे तो माइनस माइनस, और फिर जब आप एक्स की जगह पर वन रखोगे तो ये टू हो जाएगा, तो टू की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर एट। तो इसमें वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर इस तरीके से कोफिशिएंट दिया गया, और आपसे बोल रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, एक्सपेंशन ये दिया गया। तो क्या करना है यहाँ पर, आप ये सोच रहे हो कि अगर हम डिफरेंशिएशन भी करते हैं तो क्या होगा, ये टू यहाँ पर आ जाएगा, थ्री यहाँ पर आ जाएगा, बट यहाँ तो स्क्वायर चाहिए, है ना। तो जितना समझ में आ रहा है पहले उतना कर लेते हैं, फिर आगे शायद कुछ समझ में आएगा। तो डिफरेंशिएशन, अगर यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है तो डिफरेंशिएशन तो करना ही है। ठीक है ना, तो बिना कुछ सोचे समझे आप सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, चलो करते हैं डिफरेंशिएशन। तो कितना हो जाएगा, ये जब डिफरेंशिएशन करोगे, मैं राइट वाले को लेफ्ट में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सी वन प्लस टू सी टू एक्स प्लस थ्री सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एन सी एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये आ गया। तो हमें चाहिए वन स्क्वायर, बट यहाँ पर तो सिंपली वन है। हमें चाहिए टू स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ टू दिख रहा है। हमें थ्री स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर थ्री स्क्वायर चाहिए, बट यहाँ पर सिर्फ थ्री दिख रहा है। तो क्या किया जाए, अगर हम फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसा सोचो कि अगर फिर से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें तो उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं,
तो बट हाँ, यहाँ पर टू स्क्वायर लाने के लिए अगर ये पावर टू हो जाए और फिर हम उसका डिफरेंशिएशन कर दें तो शायद काम हो जाएगा आपका। कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर ये पावर थ्री हो जाए और फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से इधर थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। यही ऑब्जर्व, ऐसे ही आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। क्या करोगे भाई, एक्स का एक एक पावर ही तो कम पड़ रहा है, तो आप दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में हो गया सी वन एक्स प्लस टू सी टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस थ्री सी थ्री एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। एक्स से आपने मल्टीप्लाई किया हुआ तो वो मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगा, तो एन एक्स इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो जो रिजल्ट आपको चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से आप डिफरेंशिएट करो दोनों साइड का, फिर से डिफरेंशिएशन करो तो ये कितना हो जाएगा, सी वन हो जाएगा, ये टू यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस टू स्क्वायर हो जाएगा, ये टू यहाँ आया, टू पहले से था तो टू स्क्वायर सी टू एक्स हो गया प्लस थ्री इधर करो तो कितना हो गया, थ्री स्क्वायर सी थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एन यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर सी एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएशन तो इसका भी करना पड़ेगा, तो एन को तो आप बाहर कर लो पहले, ठीक है ना, एन तो कांस्टेंट है। अब इसका यू भी मेथड से कर दो तो फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस तो एन माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स का पावर कितना हो गया, एन माइनस टू, देख लेना आप एक बार कैलकुलेशन, आप लोग भी चेक कर लो। तो एन आ गया फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड तो एन माइनस वन और वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू हो गया प्लस सेकेंड फंक्शन तो वन प्लस एक्स की पावर कितना हो गया एन माइनस वन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा, वो तो वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब दोनों साइड आपको एक्स को दोनों साइड एक्स के जगह पर वन रख देना है, मतलब एक्स को वन से रिप्लेस कर देना है। क्यों कर देना है, क्योंकि जो आपसे पूछा जा रहा है उसमें एक्स है ही नहीं कहीं पर, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा c1 वन प्लस टू स्क्वायर सी टू प्लस थ्री स्क्वायर, हाँ थ्री स्क्वायर सी थ्री एंड प्लस यहाँ पर हो गया एन स्क्वायर सी एन, और इसका वैल्यू क्या हो गया, एन को बाहर रखो यहाँ वन हो जाएगा तो ये कितना हो गया एन माइनस वन इंटू एक्स को वन रखोगे तो ये टू की पावर एन माइनस टू हो गया तो इंटू टू की पावर एन माइनस टू एंड प्लस 2 की पावर n माइनस वन। तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो या आप एक स्टेप और आगे ले जा सकते हो कि 2 की पावर n माइनस टू को कॉमन ले लो तो यहाँ पर n माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस टू हो जाएगा, कर लेते हैं। तो आप n और 2 की पावर n माइनस टू को कॉमन ले लो तो n माइनस टू को आपने कॉमन लिया तो कितना हो गया, 2 की पावर n माइनस टू को कॉमन लिया तो कितना मिल गया, यहाँ से मिल जाएगा n माइनस वन और यहाँ से मिल जाएगा प्लस टू, ठीक है। तो ये हो गया एन, अच्छा एन माइनस वन प्लस टू कितना हो गया, एन प्लस वन हो जाएगा तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू की पावर एन माइनस टू, तो ये आपका फाइनल आंसर एन एन प्लस वन इंटू टू टू द पावर एन माइनस टू। तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9, है ना। तो जितना भी अभी तक पढ़ा है हम लोगों ने, अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या किया जाए इसमें, तो इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये 1 प्लस एक्स की पावर 20 लिया हुआ है और इसका इधर इन्होंने एक्सपेंशन लिखा हुआ है, और आपसे जो पूछा जा रहा है कि 20C0, 20C1, 20C2 से लेकर 20C9 तक पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें पूरा कि आप x के जगह पर अगर 1 रखते हो, ऐसा लग रहा है कि x को 1 रख के शायद हमें इसका वैल्यू मिल जाए, तो x को 1 रखने से मिल तो जाएगा लेकिन सिर्फ यहीं पर तो रुकेगा नहीं वो,
वो तो 20C9, 20C10, 20C11 से लेके 20C20 तक जाएगा ना, तो क्या करना चाहिए देखते हैं। तो हम लोग x को 1 से रिप्लेस तो करेंगे, ठीक है ना। तो रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर दोनों साइड आप x की जगह पर 1 रखते हो तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2, ठीक है, प्लस आप बीच में भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, प्लस 20C8 प्लस 20C9 प्लस 20C10 प्लस 20C11, कुछ टर्म हम लोग बीच के लिख ले रहे हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो 20C12 और आगे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, तो प्लस 20C18 प्लस 20C19 प्लस 20C20। तो इसका पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा, x को 1 ही तो रखा है आपने, तो इधर भी 1 रखा होगा आपने, तो कितना हो गया, 2 की पावर 20 हो गया। तो हमें इसमें से किसका वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू यहाँ तक निकालना है, ये 20C0 से लेके 20C9 तक इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब इसको आप ऑब्जर्व करो कि जो आपने ये सर्किल किया हुआ है, जो आपने लाइन खींचा हुआ है कि भाई हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो जो बचे हैं उनका क्या है ना। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो 20C20 NCR का वैल्यू क्या होता है, NCR का वैल्यू होता है NCN-R। तो 20C20 का वही वैल्यू होगा जो 20C0 का वैल्यू होगा, है ना। 20C19 का क्या वैल्यू होगा, वही वैल्यू होगा जो 20C1 का होगा, NCR को NCN-R लिख सकते हो। 20C18 का भी वही वैल्यू होगा जो 20C2 का वैल्यू होगा, ठीक है ना। और ऐसे अगर आप बढ़ोगे तो 20C11 का वैल्यू 20C9 के बराबर आएगा, 20C12 का वैल्यू 20C8, तो जो बीच वाले टर्म हैं सब इसके बीच में आ जाएंगे, है ना। तो जो आपको निकालना है ये यहाँ से यहाँ तक, अगर इसको हम लोग x मान लेते हैं, x, तो प्लस कौन नहीं लिया गया, ये 20C10 ये किसी के साथ नहीं है, तो x प्लस 20C10। और क्योंकि इसके यहाँ से लेके यहाँ तक के जो सारे टर्म हैं वो इसके किसी न किसी टर्म के बराबर है ना, तो इस पूरे टर्म को भी आप क्या लिख सकते हो, x के बराबर लिख सकते हो। तो पूरा वैल्यू क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया 2 की पावर 20 हो गया, ठीक है ना। आपको किसका वैल्यू चाहिए, आपको तो x का वैल्यू चाहिए, तो कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 20 माइनस 20C10। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 19 माइनस 1/2 इंटू 20C10। तो ये आपका फाइनल वैल्यू हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया इस टाइप का प्रॉब्लम, जेई मेन में भी, जेई एडवांस में भी, तो आप लोग इसको देख लो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। तो इसका x का वैल्यू क्या होगा, 2 की पावर 19 माइनस इसके बराबर, तो इस पूरे का वैल्यू इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है ना। तो इसका एक्सपेंशन थोड़ा सा अलग है, अगर आप देख रहे हो तो इसमें 3 टर्म आ गए हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि तो मल्टीनोमियल थ्योरम हो गया, मल्टीनोमियल नहीं है, हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशियंट्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका जो एक्सपेंशन है ये बोल रहे हैं कि ये इसके बराबर आएगा, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर से लेके a40x की पावर 40 तक जाएगा। तो एक तो आप ये गलती मत करो कि ये a0 nc0 के बराबर है या a1 nc1, ऐसा कुछ भी नहीं है, 20c1 इसके बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और ओवरऑल पावर 20 लिया हुआ है, तो सबसे बड़ा पावर क्या आएगा, सबसे बड़ा पावर 40 आएगा, तो उन्होंने लिया हुआ है, तो हमें सिंपल इसका सम निकाल देना है। तो करना क्या है, यहाँ पर आप x के जगह पर क्या रख दोगे कि ये मिल जाए, तो सिंपल x के जगह पर 1 रख देना है, ठीक है। तो लास्ट वाला प्रॉब्लम मैं ऐसा लिया क्यों हूँ, ऐसा इसलिए लिया हूँ कि आपको कोई ऐसा कन्फ्यूजन ना हो कि सिर्फ 2 ही टर्म के लिए वो वैलिड है, 2 हो 3 हो 5 हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं हो, कितने के लिए भी सही होगा,
ठीक है ना। तो ये राइट हैंड साइड में सिंपली आपको एक्स को वन रखना है, तो आप एक्स को वन रख दो, तो लेट एक्स इज इक्वल टू वन, तो एक्स को वन रख दो, तो वन रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए जीरो प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री से लेके कहाँ तक जाओगे, ए फोर्टी तक। तो जब आप यहाँ पर x के जगह पर 1 रख रहे हो तो 1 यहाँ भी तो रखोगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 तो 4, तो 4 की पावर 20 है, सिंपल क्वेश्चन, तो 4 की पावर 20 ये इसका आंसर है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है।